दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। मैं ऐसे मारूफ रजा आपको बताने वाला हूँ किस तरह अपने लॉक स्क्रीन पे हर सेकेंड वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको YouTube चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लिया। दोस्तों सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं वॉलपेपर क्रॉसल का ऑप्शन है, तो आपको फिर वॉलपेपर क्रॉसल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आपको वॉलपेपर क्रॉसल को ऑन कर लेना है। देखिए दोस्तों मैंने इसे ऑन कर लिया। तो दोस्तों तो इस तरह आपके लॉक स्क्रीन पर हर सेकेंड इमेज चेंज होगा। तो अब आप बात आती है कौन कौन सा इमेज आपके वो लॉक स्क्रीन पर आएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ नीचे देख सकते हैं ग्लैंस इमेज कैटेगरी का ऑप्शन है, मतलब कैटेगरी चूज कर सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, तो आप जिस कैटेगरी का इमेज अपने लॉक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं उसे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए मैं ट्रैवल को फॉलो कर लेता हूँ, वर्ल्ड को फॉलो किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, मतलब इन सब कैटेगरी का इमेज आएगा आपके लॉक स्क्रीन पर। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि किस तरह आप अपने लॉक स्क्रीन पर अपना भी इमेज डाल सकते हैं, यानी गैलरी का इमेज डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको बैक आना पड़ेगा। दोस्तों आप यहाँ नीचे देख सकते हैं गैलरी फोटोज़ का ऑप्शन है ग्लैंस इमेज कैटेगरी के नीचे, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। दोस्तों आप याद रखिएगा कि आप अपने गैलरी से ओनली 4 ही फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं कोई भी फोटो सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये 1, 2, 3 और ये 4। देखिए दोस्तों मैंने 4 फोटो सिलेक्ट कर लिया गैलरी का। तो दोस्तों ये चारों फोटो गैलरी का मेरी लॉक स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। दोस्तों उसके लिए उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। तो दोस्तों देखिए हो गया, तो ये चारों फोटो गैलरी का दिखाएगा लॉक स्क्रीन पर। तो अब बात आती है कि गैलरी का फोटो कब दिखाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ गैलरी इमेज का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो देख सकते हैं एवरी सेकेंड इमेज, यानी एक इमेज रहेगा आपके फ़ोन का तो एक गैलरी का इमेज आएगा, मतलब हर सेकेंड इमेज दिखाएगा गैलरी का जो मैंने पहले से सेट कर रखा था। तो आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, एवरी सेकेंड इमेज का, एवरी थर्ड इमेज, एवरी फोर्थ इमेज। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से सेट कर लीजिए। देखिए मैं एवरी सेकेंड इमेज पर ही रहने देता हूँ, इसलिए मैं उसे ओके करके छोड़ देता हूँ। उसके बाद नीचे देख सकते हैं अपडेट वॉलपेपर यूजिंग मोबाइल डाटा, यानी अपने मोबाइल डाटा यूज़ करके वॉलपेपर अपडेट करिए, यानी अगर आपका मोबाइल डाटा चालू रहेगा तो वॉलपेपर बदलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आपके फ़ोन से डाटा नहीं रहेगा तो वॉलपेपर बदलने में टाइम लगेगा, हर सेकेंड चेंज नहीं होगा, थोड़ा एक एक घंटा यानी 5 मिनट कभी कभी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपका डाटा ऑन रहेगा यानी अपडेट होगा डाटा से वॉलपेपर, तो वो हर सेकेंड चेंज होगा। दोस्तों मैं चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने अपने मोबाइल को ऑफ़ किया, देखिए फिर ऑन किया, तो देखिए दोस्तों ये इमेज आ गया गैलरी का। फिर देखिए ऑफ़ किया, फिर ऑन किया, देखिए दोस्तों ये दूसरा इमेज आ गया। फिर मैंने ऑफ़ किया, फिर ऑन किया, देखिए मैं गैलरी का आ गया। फिर ऑफ़ किया, फिर ऑन किया, देखिए दोस्तों चेंज हो रहा है। तो हर सेकेंड ये चेंज होता रहेगा। दोस्तों देख लीजिए जैसे कि आपने कि हर तरह किस तरह लॉक स्क्रीन चेंज हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह आज का वीडियो खत्म होता है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए हमारा वेट करिएगा।